नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के इरोड के भवानी सागर संघ नल्लूर में कूड़े से संक्रमण का खतरा, घोटाले का सरगना मूर्ति उर्फ रंगासामी है। नल्लूर पंचायत इरोड जिले के भवानी सागर संघ में है। पुंजई पुलियाम्बत्ती शहर की सीमा के करीब है, इसलिए यह विभिन्न व्यावसायिक परिसरों और आवासों से भरी एक पंचायत है। इससे इस पंचायत में राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पंचायत अध्यक्ष मूर्ति रंगासामी केवल एक भ्रष्ट योजना चला रहे हैं, जिससे आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। बताया जाता है कि पंचायत के लिए अब तक कोई स्थायी योजना क्रियान्वित नहीं की गई है। मूर्ति उर्फ रंगास्वामी आसानी से जीत गए, क्योंकि यह क्षेत्र AIADMK से काफी प्रभावित है। जनता का आरोप है कि निर्माण परमिट और जल आपूर्ति कनेक्शन लेने के बावजूद रिश्वत के रूप में रिश्वत ली जा रही है, खासकर उनकी ही पार्टी के सदस्यों द्वारा। भवानी सागर विधायक पन्नारी अन्नाद्रमुख हैं, इसलिए कहा जाता है कि मूर्ति का भवानी सागर पंचायत संघ में अधिक प्रभाव है। कंपोस्ट योग्य कचरे को गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे में क्रमबद्ध करने के लिए एक मैनुअल योजना स्थापित करने के बाद कूड़ाचरा आवासीय आरक्षित क्षेत्र में आवासों के निकट ही फेंक दिया जाता है। मंदिर से भी इलाके के लोगों का आरोप है कि इलाके के लोग कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति मूर्ति को बात समझ में नहीं आ रही है। बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाता है और बदबू आती है तथा बड़ी मात्रा में संक्रामक कीटाणु पैदा हो जाते हैं। आंखों में आंसू लेकर उन्होंने बताया कि सीवेज में मच्छर पनपते हैं, जो तरह तरह की संक्रामक बीमारियां फैलाते हैं और अक्सर लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। पंचायत अध्यक्ष का पद संभालने के बाद अब तक भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपए कमाने वाले पंचायत अध्यक्ष रंगासामी आने वाले चुनाव में नल्लूर इलाकों में वोट भी नहीं मांग पा रहे हैं। स्टेट क्राइम रिपोर्टर सुब्रमण्य की रिपोर्ट। இங்கிருந்து இந்த ஏரியா மக்களும் இங்கே கொண்டாந்து குப்பை கொட்டுறாங்க. நல்லூர் பஞ்சாயத்து வண்டி வந்து இங்கே குப்பை கொட்டுதுங்க. நாங்கள் இந்த இடத்துல குடியிருக்கிறதுனால தீப்பட்டை வச்சு விட்டுறாங்க. மூச்சு திணறல் ஏற்படுது குழந்தைகளுக்கு, நோய் தொற்று வர்ற அபாயம் இருக்குது. இந்த ஏரியா வந்து பொன்னம்பலத்துக்கு சேர்ந்ததுங்க, காந்திபுரம் வடக்கு பகுதி. அதனால் புளியம்பட்டி நகராட்சிக்கு இனி சேரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதை இந்த குப்பைகளை எடுத்துட்டா எங்களுக்கு கொஞ்சம் மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமம் இல்லாமல் நல்லா இருக்கும். அதுக்குண்டான ஏற்பாடு யார் ஒருத்தர் பண்ணி கொடுங்க.